हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग क्लास इलेवन आईएससी चैप्टर 11 कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आप लोग के पास एस चंद का बुक है तो प्लीज़ आप लोग पेज नंबर 238 में आ जाइए, तो मैं आप लोग को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मार्क करा दूँगी। और लेट्स स्टार्ट विद कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है? अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोसाइटी विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। तो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सोसाइटी है जिसके ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए, और किसके होते हैं वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, उसके मेंबर के और वहाँ के कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि हम लोग जब एक कोऑपरेटिव प्रिंसिपल और वहाँ के एक सोसाइटी के कोऑपरेटिव प्रिंसिपल और वहाँ के मेंबर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऑब्जेक्टिव्स के लिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो ऑब्जेक्टिव है उसको प्रमोट करने के लिए जो सोसाइटी बनाते हैं उसको हम लोग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ एसेंशियली ए वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स डिज़ायर्स ऑफ इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमिक स्टेटस थ्रू जॉइंट एक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वॉलेंट्री एसोसिएशन। तो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ एसेंशियली ए वॉलेंट्री एसोसिएशन। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है ऑफ पर्सन डिज़ायर्स ऑफ इम्प्रूविंग देयर इकोनॉमिक स्टेटस थ्रू जॉइंट एक्शन ऑफ पर्सन्स। मतलब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ये एक ऐसे ही वॉलेंटियर एक एसेंशियली वॉलेंटियर एसोसिएशन है कुछ पर्सन्स का जो डिज़ायर्स करते हैं अपना इकोनॉमिक स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, कैसे? जॉइंट एक्शंस के थ्रू। रिलीजियस एंड पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। द मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ ओपन टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और पॉलिटिकल एफिलिएशन। तो रिलीजियस और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी क्या होता है? द मेंबरशिप ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मेंबरशिप होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, कब वो ओपन टू ऑल है, मतलब वेदर वो लोग हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन है, वो ओपन टू ऑल है। इसमें कोई भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसा हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब इसमें भी जो मेंबर्स का लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। मतलब अगर कोई भी तरीके से अगर ये सोसाइटी बंद हुआ तो इसका जितना भी लाइबिलिटी होगा उसका मेंबर्स के पर्सनल प्रॉपर्टी पे उस कोई हक नहीं है किसी का भी। वन मैन वन वोट। एवरी मेंबर हैज़ वन वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, हर एक मेंबर के पास एक एवरी मेंबर हैज़ वन वोट, हर एक मेंबर के पास एक वोट रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। इरिस्पेक्टिव जिस मतलब उसके पास चाहे कितना भी शेयर हो लेकिन उसके पास वोट देने का एक ही रहेगा। मतलब एक आदमी एक ही वोट दे सकता, तीन चार वोट नहीं दे सकता। अब भले उसके पास 100 शेयर है या 1000 शेयर है। सर्विस मोटिव। द प्राइमरी एम ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर। तो सर्विस मोटिव क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्राइमरी एम होता है कि वो मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करे। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। द सरप्लस ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग मेंबर इन प्रपोर्शन टू देयर
कैपिटल, तो बोल रहे जो सरप्लस है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल. अकॉर्डिंग टू लॉ एटलीस्ट 1/4 ऑफ द प्रॉफिट मस्ट बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. अकॉर्डिंग टू लॉ मतलब लॉ के हिसाब से अगर देखा जाए तो एटलीस्ट 1/4 हिस्सा जनरल रिजर्व में चला जाता है प्रॉफिट्स का. अ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट नॉट एक्सीडिंग 10% मे बी यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर ऑफ द लोकेलिटी इन विच द सोसाइटी इज फंक्शनिंग. तो और एक प्रॉफिट का पोर्शन जो 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं किया जाता, उसे यूटिलाइज किया जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द लोकेलिटी, लोकेलिटी का वेलफेयर के लिए और सोसाइटी के फंक्शनिंग्स के लिए. दस प्रॉफिट्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी आर यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर एंड द लोकल कम्युनिटी. तो ये जो प्रॉफिट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, ये यूटिलाइज किया जाता है मेंबर्स के बेनिफिट के लिए और लोकल कम्युनिटी के लिए. लिमिटेड रिटर्न ऑन कैपिटल, आर डिविडेंड नॉट एक्सीडिंग 10% कैन बी पेड टू मेंबर्स ऑन द कैपिटल. द मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी आर दस एश्योर्ड ऑफ ए फिक्स्ड रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. तो लिमिटेड रिटर्न ऑन कैपिटल क्या बोल रहे हैं, आर डिविडेंड नॉट एक्सीडिंग 10%, मतलब डिविडेंड जो 10% में एक्सीड नहीं हो रहा है, 10% को एक्सीड नहीं कर, कैन बी पेड ऑन द कैपिटल, मतलब जो डिविडेंड 10% को एक्सीड नहीं कर रहा है वो मेंबर्स का कैपिटल पे भी पेड हो सकता है. द मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी आर दोस एश्योर्ड ऑफ ए फिक्स रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. कैश ट्रेडिंग, कोऑपरेटिव सोसाइटी सेल गुड्स ऑन कैश बेसिस. कैश ट्रेडिंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैड डेट्स एंड मेंटेन्स वर्किंग कैपिटल. हाउएवर एन एक्सेप्शन मे बी मेड इन द केस ऑफ मेंबर्स. कैश ट्रेडिंग क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी गुड्स सेल करता है ऑन कैश बेसिस, मतलब कैश बेसिस पे कोई भी ट्रांजैक्शन होता है. तो कैश ट्रेडिंग प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैड डेट्स. तो कैश ट्रेडिंग हम लोग को किस चीज़ के लिए बेनिफिट करता है, बैड डेट में. बैड डेट क्या होता है, अगर आपने किसी को सामान बेचा क्रेडिट पे और वो बोला कि मैं बाद में दूंगा बट वो बाद में नहीं दिया, तो ये आपका बैड डेट हो गया, लॉस हो गया. एंड मेंटेन्स वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करता है. However, an exception may be made in the case of members. However, एक exception बनाया जा सकता है members के केस में. Perpetual existence. Once registered, a cooperative society enjoys perpetual existence. अगर एक बार registered हो गया तो cooperative society perpetual एग्जिस्टेंस को इंजॉय कर सकता है, मतलब परपेचुअल एग्जिस्टेंस को अपने ऊपर लागू कर सकता है. इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ एंड लॉ अलोन कैन डिसॉल्व इट. तो ये लॉ से क्रिएट हुआ और लॉ ही इसको हटा सकता है. स्टेट कंट्रोल, एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 एंड 1912 और रिस्पेक्टिव स्टेट कोऑपरेटिव लॉज. इट इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व द प्रेस्क्राइब्ड रूल्स एंड रेगुलेशन. गवर्नमेंट एक्सरसाइज सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू इंश्योर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग. तो स्टेट कंट्रोल क्या है, हर कोऑपरेटिव सोसाइटी मस्ट बी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर रजिस्टर होना चाहिए और रिस्पेक्टिव स्टेट कोऑपरेटिव लॉ के अंदर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर होना चाहिए ताकि वो प्रेस्क्राइब रूल्स और रेगुलेशंस को ऑब्जर्व करे और उसको फॉलो करे. गवर्नमेंट एक्सरसाइज सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर कोऑपरेट सोसाइटी टू इंश्योर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग. गवर्नमेंट भी एक्सरसाइज करता है सुपरविजन और कंट्रोल करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को टू इंश्योर अपना प्रॉपर फंक्शनिंग को इंश्योर करने के लिए.
सो गाइस, इसी के साथ हम लोग का आज का वीडियो ख़त्म होता है। और इस वीडियो में हम लोग ने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर, आप लोग प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी। और आप लोग ने मेरे को काफ़ी बार बोला कि आप लोग को मेरे और वीडियोस नहीं मिल रहे, तो आप लोग एंड स्क्रीन पे जाकर के देखिएगा। आप लोग को मैं लिंक दे दूँगी अपने प्लेलिस्ट का भी, और नहीं तो आप मेरे चैनल में जाकर के भी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आईएससी कॉमर्स क्लास 11, आईएससी कॉमर्स क्लास 12, आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 11, आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12, आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास सॉरी आईएससी अकाउंट्स क्लास 11, आईएससी अकाउंट्स क्लास 12। और अकाउंट्स का फ़िलहाल मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, बट उसका भी जल्दी ही डाल दूँगी। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट होगा रिलेटेड टू कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, आप लोग को आंसर मिल जाएगा। और आप लोग मेरा दूसरा चैनल उन्नति की वाणी द ट्यून ऑफ प्रोग्रेस, जिसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप लोग वहाँ पे जाके भी विजिट कीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन।